टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन है। तो पॉइंट नंबर वन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमने ओम लॉ से ड्राइव किया था, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है, और अगर स्पीड बढ़ती है टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाता है, डिक्रीज। टाइम अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये एनसीईआरटी में आता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, इसे एक्सप्लेन करो। तो आपने फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला नहीं आता तो कम से कम ये तो लिखो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ने से टाउ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, पहला पॉइंट है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। हमने प्लस वन के अंदर भी एक टॉपिक किया था थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें ये बताया जाता है कि चीज़ें एक्सपैंड होती हैं जब हम उन्हें गर्म करते हैं। तो चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो लेंथ एल है और ओरिजिनल लेंथ एल जीरो है या एल है, और नई लेंथ एल डैश है, तो आपको याद होगा थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। ऐसे सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, ऐसे ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन भी निकाला था, अल्फा बाय वन इज गामा बाय टू इज इक्वल टू बीटा बाय टू इज इक्वल टू गामा बाय थ्री, ऐसा कुछ किया था हमने, राइट। रेजिस्टेंस का भी सेम कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस के अंदर क्या है कि मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर जीरो है, आर जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कितना हो गया, टी डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, आर ऑफ टी डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस आर ऑफ टी हो गई, तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, यानी कि आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो, इसको लिखते हैं डेल्टा आर। तो जो डेल्टा आर है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर जीरो पे, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। कैसे? अगर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस सिर्फ दो ओम है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी, 200,000 ओम तो नहीं हो जाएगी, इतना इंक्रीज थोड़ी ना होगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा उसके प्रोपोर्शनल में। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 2 या 4 ओम होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो इसका मतलब जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस जो ओरिजिनल है दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक? ठीक। और दूसरा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट है, और वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो भी इंक्रीज बड़ा होगा, टेम्परेचर बड़ा होगा, इंक्रीज ज्यादा करोगे तो भी इंक्रीज ज्यादा होगा। इन्हें अगर कंबाइन कर लें तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर जीरो और डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। और यहां पे डेल्टा आर किसके इक्वल हो जाएगा, यहां प्रोपोर्शनल की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये टर्म हो जाएगी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यहां पर, वो यूज करते हैं अल्फा। अल्फा, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? तो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यहां तक क्लियर है? तो इसमें ये अल्फा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई चीज कितनी एक्सपैंड होती है या कोई चीज अपनी वैल्यू को कितनी इंक्रीज करती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो एक चीज क्या, एक चीज आर जीरो पे, डेल्टा टी पे और अल्फा पे, तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है? तो डेल्टा आर की वैल्यू अल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा टी, क्लियर है? तो डेल्टा आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आर एट जीरो डिग्री सेल्सियस राइट पे चला गया, आर जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, फॉर्मूला बुकलेट जो चल रही है, फॉर्मूला का रजिस्टर में नोट करना है। आर एट टी डिग्री सेल्सियस इज आर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी।
राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक, ये फॉर्मूला काम आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू आ गई। तो अल्फा के जो यूनिट्स होंगे, देखो वो अल्फा के यूनिट्स होंगे क्या, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय आर जीरो इंटू डेल्टा टी। ये ओम्स है, ये भी ओम है, और क्या आएगा, या तो वन अपॉन डिग्री सेल्सियस या वन अपॉन केल्विन, अल्फा के यूनिट्स हैं। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक, तो यहां से वापस चलते हैं। तो हमने इसमें अब क्या किया, हमने इसमें जो शीट चल रही थी ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। तो इसमें रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट जीरो, अल्फा टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मटीरियल पर डिपेंड करता है, और इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टिविटी एट जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। लेकिन अल्फा को इस बार नाम क्या देंगे, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूलाज याद रखो, आज न्यूमेरिकल इसके ऊपर काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स इसमें ध्यान से नोट करने वाले हैं। क्या मेटल के लिए, मेटल्स के लिए, मेटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो रेजिस्टिविटी है उसका जो ऑर्डर होता है रेजिस्टिविटी का वो 10 की पावर माइनस 8 के आसपास होता है। ये ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब ये नहीं इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसके आसपास रहती है। मतलब आप ये कहो 10 की पावर माइनस 1 तो नहीं, 10 की पावर माइनस 8 बहुत छोटी होती है, तो रेजिस्टिविटी बहुत छोटी है, 10 की पावर क्या है माइनस 8। ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर मेनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के लिए अल्फा बहुत छोटा होता है। अल्फा कितना होता है, नियरली 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अल्फा मतलब इतना नहीं होता कि 400 500 600 मिलेगा, क्योंकि अगर अल्फा बहुत बड़ा हो गया तो हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे 0.004 के आसपास। हालांकि आपको ये याद नहीं करना, बेसिकली क्या है कि आपको हर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन ही होती है, आपको याद नहीं करनी होती, बट हाँ ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर के आसपास, नियरली के आसपास है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अलॉयज, ये अंडरलाइन कर लो, ये एनसीईआरटी के अंदर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि रेजिस्टिविटी जो प्योर मेटल्स हैं, जो मेटल्स होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है किससे, अलॉयज से। ठीक, अलॉयज से। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी कॉपर की, अगर ग्राफ मार्क करने को आ जाए एक मिनट के लिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी प्लॉट करो टेम्परेचर के साथ, तो ये ग्राफ है, और रेजिस्टिविटी अगर नाइक्रोम की ड्रॉ करनी है विद टेम्परेचर के साथ तो ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ नहीं है, बस इंक्रीज हो रही है, कॉपर की कैसे इंक्रीज हो रही है, नाइक्रोम की कैसे इंक्रीज हो रही है, हर मेटल की अपनी अपनी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने यही दो क्यों चूज किए, क्योंकि आपकी किताबों के अंदर ये दो ग्राफी हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जांपल इसी के हैं, तो अगर यही ग्राफ मार्क करने को आ जाए कम से कम आपको याद रहेगा कि ये ग्राफ चार ऑप्शन में से कैसे मार्क करना है। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में आएंगे, कॉम्पिटिशन में एप्लीकेशन आएगी, तो अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में सारा लिखा हुआ है, तो इस वजह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के सीबीएसई में आते हैं, तो इसलिए मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है राइट, वो क्या होता है, अल्फा, अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पूरी टर्म पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स के लिए, अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। तो सेमीकंडक्टर्स में सोचो, अगर मान लो
सेमीकंडक्टर्स के लिए सेम रिजल्ट किया जाए तो फॉर सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है. अब अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या है? आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ जीरो माइनस आर जीरो इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ जाएगी. ये कॉन्स्टेंट है, ये टर्म बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? घट जाएगी. तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कंडक्टर के बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट है. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ती है. तभी तो सेमीकंडक्टर्स के ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं, धूप में काम करते हैं. कैसे? टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. करंट ही करंट होता है, पूरे दिन करंट ही पैदा होता रहता है, चार्ज मूव करता है. तभी तो सोलर पैनल्स कामयाब हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत हाई है. इस रीजन का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब बहुत हाई है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है. राइट, क्लियर है यहाँ तक? हर जगह नहीं है, कई देश ऐसे हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ सोलर पैनल कैसे होंगे? कनाडा में जाके कहाँ लगाओगे -45 डिग्री सेल्सियस सोलर पैनल्स, क्या चलेगा? यहाँ इसलिए सोलर पैनल्स ज़्यादा कामयाब है. राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट, इसी के अंदर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, इसको एक बार देखते हैं.